इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। इफ़ द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ दिस ऑपरेटर इज आयोटा एंड ई टू द पावर आयोटा एक्स, देन कैलकुलेट आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर दिस। इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है, ये कोई ऑपरेटर है जिसके लिए आइगन वैल्यू आयोटा है एंड आइगन फंक्शन दिस है, तो इस ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन क्या होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ए साई इज इक्वल्स टू ए साई, ये इक्वेशन होती है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन के लिए। अगर ये कोई ऑपरेटर है और ये कोई वेव फंक्शन है, अगर ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन को ऑपरेट करता है तो यहाँ पर हमको मिलती है ये आइगन वैल्यू ए और ये मिलता है आइगन फंक्शन। इसको हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आइए देखते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे ए क्या है ऑपरेटर जिसकी वैल्यू है डी ओवर डी एक्स दिस ऑपरेटर, और यहाँ पर वेव फंक्शन कितना है ये साई। अब ये वेव फंक्शन भी है और ये वेव फंक्शन इस ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन भी है, मतलब ये वाला फंक्शन भी ये वेरीफाइड है, ये इस क्वेश्चन में कहा है। आइए देख लेते हैं सोल्यूशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी साई ओवर डी एक्स, बिकॉज मुझे ये वाला फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पर ये रहा ऑपरेटर और ये रहा वेव फंक्शन इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है एक्स के रेस्पेक्ट में ओनली डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम जानते हैं ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहता है, तो यहाँ पर कितना जगह ये ई की पावर आयोटा एक्स। अब इसका हमको दोबारा करना होता है तो एक्स का हो जाएगा वन, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ये आयोटा। अगर आप इस इक्वेशन को बहुत गौर से देखेंगे और इससे कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू आ गया आयोटा आइगन वैल्यू, और साई इक्वल्स टू आ गया ये ई टू द पावर आयोटा एक्स। कैसा आ गया देखेंगे, यहाँ पर ये ऑपरेटर है तो साई है, यहाँ पर क्या है ये वेव फंक्शन तो ये रहा वेव फंक्शन। इसका मतलब ये बिल्कुल सेम है, जब ये सेम है तो यहाँ पर क्या होती है आइगन वैल्यू, तो यहाँ पर आयोटा है, और यहाँ पर क्या होता है आइगन फंक्शन, तो ये रहा आइगन फंक्शन। ये तो वेरीफाई हो गया, बट हमें पता करना है इस ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो इस इक्वेशन को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के टू आयोटा से, क्यों कर रहे हैं, हमें ऐसा ऑपरेटर बनाना है जैसा ये है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा ये डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, ये साई है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये साई, पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, एक बार फिर देख लो भाई ये वैल्यू होती है, तो मैंने ये यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन इससे काफ़ी मैच कर रही है ए साई आई साई, तो ये हो गया ऑपरेटर और ये हो गया आइगन वैल्यू और ये हो गया आइगन फंक्शन। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस के टू आयोटा से, तो कितना हो जाएगा ये माइनस के टू आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा ये डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस के टू आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा ये आयोटा साई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला ऑपरेटर बिल्कुल इससे मैच कर गया, ये हमको चाहिए था। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे आयोटा इंटू आयोटा कितना होता है, तो हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो एक आयोटा ये है एक आयोटा ये है, कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है माइनस वन और माइनस ये वाला प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा ये टू साई। इसका मतलब क्या हो गया, इस ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन हो गया ये, और ये कितनी हो गई आइगन वैल्यू, बिकॉज ये क्या है आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला ऑपरेटर है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आइगन वैल्यू आ गई ए इज इक्वल्स टू टू, और यहाँ पर आइगन फंक्शन आ गया साई इज इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा एक्स, बिकॉज इस साई की वैल्यू ये होती है आइगन फंक्शन। तो इस ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू टू है और आइगन फंक्शन ये है। दोस्तों इसी तरीके से हम क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिक्स ऑप्टिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स बीएससी के लगभग सभी पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप चाहें इन सभी को फ्री में देख सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर करेंगे, इस लेक्चर को भी आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक तो करते ही जाना। थैंक यू, शुक्रिया।